हाय गाइस, और कैसे हो आप सब लोग। और गाइस, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें आईफोन 12 प्रो को परचेज करना चाहिए या फिर हमें आईफोन 13 को परचेज करना चाहिए, कौन सा फोन लेना ज्यादा वर्थी रहेगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप सब लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो, सो गाइस मेरा नाम है सूरज, एंड उसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। So, सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन के बारे में। सो आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 13 का जो डिजाइन है, ये हमें जो है काफी ज्यादा प्रीमियम एंड जो है काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। बट आईफोन 12 प्रो का जो डिजाइन है, ये हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 13, क्योंकि आईफोन 12 प्रो बीइंग अ प्रो मॉडल, तो इसके अंदर हमें जो डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो मटेरियल वो काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमें इसके जो साइड है वो हमें स्टील के देखने को मिल जाते हैं, बैक में हमें जो ग्लास है फ्रॉस्टेड देखने को मिल जाता है, तो जिसके करके आईफोन 12 प्रो का जो डिजाइन है वो हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 के डिजाइन से। सो अब हम बात करते हैं कि डिस्प्ले के बारे में। सो गाइस, आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 13 की जो डिस्प्ले क्वालिटी है, ये हमें जो है सेम देखने को मिलती है, एंड इनका जो डिस्प्ले साइज है ये भी हमें जो एग्जैक्ट सेम देखने को मिल जाता है। सो आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 13 की जो डिस्प्ले साइज है, ये हमें 6.1 इंच का देखने को मिलता है, एंड उसी के साथ इन दोनों ही फोन के अंदर हमें जो सुपर रेटिना एचडी डिस्प्ले जो देखने को मिलती है, एंड इन दोनों ही फोन का जो रिफ्रेश रेट है ये हमें 60 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में हमें इन दोनों फोन्स के अंदर जो है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाता, बस आईफोन 13 के अंदर हमें जो है नॉच यहाँ पर छोटी देखने को मिल जाती है, वेरियस आईफोन 12 प्रो की जो नॉच है ये हमें थोड़ी सी बिगड़ देखने को मिलती है, बाकी इन दोनों फोन्स के अंदर हमें जो डिस्प्ले में कोई भी ज्यादा जो डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। सो गाइज, अब हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। सो गाइज, आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें जो है देखने को मिल जाती है A14 बायोनिक चिप, काफी ज्यादा पावरफुल चिप हमें जो है देखने को मिल जाती है आईफोन 12 प्रो के अंदर। वही अगर हम बात करें आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 के अंदर हमें जो A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। सो ये अभी तक की हमें जो लेटेस्ट चिप एप्पल की तरफ से देखने को मिल जाती है, एंड इसका जो प्रोसेसर है ये हमें जो है काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर जो प्रोसेसर डेफिनेटली आईफोन 13 का जो है काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो के प्रोसेसर से, तो परफॉर्मेंस जो यहाँ पर हमें आईफोन 13 के अंदर ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि कैमरास के बारे में। सो आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें जो है ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, वही अगर बात करें आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 के अंदर हमें जो है ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें जो है तीन कैमरा जी हमें 12 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ 12 प्रो के अंदर हमें जो है लाइडार स्कैनर भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो आईफोन 12 प्रो के अंदर हमें एक चीज की एडवांटेज देखने को मिल जाती है ओवर आईफोन 13 की, हमें आईफोन 12 प्रो के अंदर जो है एक तो टेलीस्कोपिक लेंस देखने को मिल जाता है, उसी के साथ इसके अंदर हमें जो है लाइडार स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोगों को जो है नाइट मोड के अंदर जो इमेजेस काफी ज्यादा जो है बेटर देखने को मिलेगी। वही अगर बात करें आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 के अंदर हमें जो ड्यूल कैमरा का ही सेटअप देखने को मिल जाता है, बट आईफोन 13 का हमें जो प्राइमरी सेंसर है ये हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो, क्योंकि आईफोन 13 के जो हमें प्राइमरी सेंसर यहाँ पर हमें थोड़ा सा बिगर एंड उसी के साथ थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोगों को थोड़ा सा बेटर कैमरा चाहिए, देन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको आईफोन 13 का जो कैमरा है ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। उसी के साथ आईफोन 13 के अंदर जो हमें यहाँ पर सिनेमैटिक मोड का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिल जाता है, एंड उसी के साथ फ्रंट कैमरा हमें इन दोनों फोन के अंदर जो है सेम देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि बैटरी के बारे में। सो गाइज, आईफोन 12 प्रो की बैटरी अगर हम इसको लगातार यूज करते हैं, देन ही हमें जो अराउंड 6 घंटे का जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। वही अगर हम बात करें आईफोन 13 की, सो अगर हम आईफोन 13 को लगातार यूज करते हैं, तो ये फोन हमें जो बैटरी बैकअप अराउंड 7.5 घंटे का जो है प्रोवाइड कर देता है। तो आईफोन 13 की जो बैटरी लाइफ है, ये हमें जो है आईफोन 12 प्रो की बैटरी लाइफ से काफी ज्यादा जो है बेटर देखने को मिल जाती है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं दोनों फोन के प्राइसिंग के बारे में। सो गाइज, आईफोन 12 प्रो आप लोगों को जो है सेकंड हैंड के अंदर जो अराउंड 60-65,000 रुपीस का जो देखने को मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन। वही अगर हम बात करें आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 जो है ये फोन हमें अराउंड 65,000 रुपीस का देखने को मिलता है, बैंक का डिस्काउंट लगा के या फिर कई बार आपको सेल में जो है ये फोन इतनी की प्राइसिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अब बात आती है कि हमें कौन से फोन को परचेज करना चाहिए, क्या हमें आईफोन 12 प्रो को परचेज करना चाहिए या फिर हमें जो आईफोन 13 को परचेज करना चाहिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को प्रीमियमनेस चाहिए, देन आप लोग जो आईफोन 12 प्रो को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को आईफोन 12 प्रो जो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होगा। वही अगर हम बात करें कि अगर आपको बेटर फीचर्स चाहिए, देन मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 13 के अंदर एक तो हमें जो है इसके अंदर बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, उसकी जो कैमरा हमें थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिल जाती है, बैटरी लाइफ भी उसके अंदर हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, एंड उसी के साथ आईफोन 13 के अंदर हमें एक चीज का एडवांटेज और देखने को मिलता है कि आईफोन 13 के अंदर हमें जो है एक साल का और ज्यादा जो है iOS अपडेट जो है देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। सो गाइस, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए ओवर आईफोन 12 प्रो, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे लाइक करना, एंड उसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो मिलता हूं मैं आप सब लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।